दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए बोर्ड की तरफ से आज परीक्षाओं को लेकर तीन नई और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। अगर आप भी कक्षा दसवीं या बारहवीं के छात्र हैं और अगर आपने बोर्ड एग्जाम दिए हैं या फिर दे रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आज की कोई सी भी जानकारी को मिस मत करना और आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब सारी खबरों को जान लेते हैं एक एक करके कि आज आपके लिए बोर्ड की ओर से क्या नई और बड़ी खबर निकल कर आई है। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर राजस्थान बोर्ड के कक्षा दसवीं और बारहवीं के छात्रों के लिए है। बता दें कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा दसवीं और बारहवीं के छात्रों का रिजल्ट इसी महीने होगा जारी और अब आपका रिजल्ट आपको SMS पर भी देखने को मिल जाएगा, वरना आप राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो अब जल्द ही राजस्थान बोर्ड के दसवीं और बारहवीं के छात्रों के रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए क्या खबर है। यूपी बोर्ड की तरफ से दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट जारी करने की डेट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं की 2.25 करोड़ कॉपियों का काम अपने अंतिम दौर में चल रहा है। कॉपियों के मूल्यांकन के लिए प्रदेश में 271 केंद्र बनाए गए हैं। बता दें, केंद्र प्रभारियों को भेजे गए निर्देश के अनुसार शनिवार तक सभी कॉपियों को चेक की जानी है और इस महीने तक बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट बनकर तैयार हो जाएगा, इसके बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी बोर्ड के कक्षा दसवीं और बारहवीं के छात्रों का रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, जैसे ही बोर्ड की तरफ से नई और बड़ी खबर निकल कर आएगी तो हम आपको बता देंगे सबसे पहले।